लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को देश में इसका आंकड़ा बढ़कर 120 हो गया है। रविवार तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 53 थी। सभी नए मामलों का पता दक्षिणी सिंध प्रांत में चला, जहाँ सरकार के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब। इस्लामाबाद पाकिस्तान में कोरोना वायरस संक्रमण के 41 नए मामले सामने आने के साथ ही सोमवार को देश में इसका आंकड़ा बढ़कर 120 हो गया है। रविवार तक कोरोना वायरस के संक्रमितों की संख्या 53 थी। सभी नए मामलों का पता दक्षिणी सिंध प्रांत में चला, जहां सरकार के प्रवक्ता मुर्तजा वहाब ने कहा कि ये वे लोग थे जिन्हें ईरान की सीमा पर तापान से सिंध स्थानांतरित किया गया था। उन्होंने बताया और नतीजे आए हैं। इस तरह सिंध में संक्रमितों की संख्या 76 तक पहुंच गई है। इन 73 मरीजों में से 2 की सेहत में सुधार हुआ और बाकी 74 को पृथक रखा गया है। हाल के नए मामलों के जुड़ने के बाद देश में आंकड़ा 120 तक पहुंच गया है। इस बीच सरकार महामारी के प्रसार की रोकथाम के लिए कदम उठा रही है। इसके मद्देनजर पंजाब प्रांत ने त्वरित तैयारियों के तहत सभी सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और छात्रावासों को पृथक केंद्रों में तब्दील किया है। कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान के सभी शिक्षण संस्थानों को 5 अप्रैल तक बंद रखने का भी आदेश दिया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने शनिवार को कहा था कि वह देश में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उठाए जा रहे कदमों की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने ट्विटर पर घोषणा की कि वह इससे निपटने के लिए उपायों के बारे में लोगों को विश्वास में लेने के लिए जल्द ही देश को संबोधित करेंगे। भारत में भी कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। देश में अब तक 115 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक 38 मामले में सामने आए हैं।